दोस्तों नमस्कार, मैं विराट क्लासेस से निरंजन सर आज ही आप लोग के बीच तीसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सभी लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। यदि कोई परेशानी हो रही होगी तो आप कमेंट में जरूर से जरूर दिखाएं, हम भी पूरा पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का। और साथ ही साथ मेरे पास में डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन पूरी मेहनत के साथ में हम डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे वीडियो हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि मेरा जो चैनल पे जो वीडियो जाता है उसे आप अपने फेसबुक स्टोरी उसके लिंक का फेसबुक स्टोरी खूब से खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम भी आप लोग के साथ बने रहेंगे और हमें भी आप आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो आज ये अध्याय 3 मानव जन्म हुमेन रिप्रोडक्शन का भाग 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले भाग 2 तक बता चुके थे। देखिए, मनुष्य में जन्म करने की एक अवस्था होती है। ऐसा नहीं होता है कि मानो बच्चे को जन्म दिए और वे बच्चा जो है जन्म करने योग्य हो जाता है। बच्चा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा जाता है, या तो नर हो या मादा हो, उसमें परिवर्तन आता है जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस अवस्था को हम बोलते हैं यौवनारंभ, इंग्लिश में प्यूबर्टी बोला जाता है। जैसे माना जाए तो लड़कों में मूछ दाढ़ी का विकास होना, शरीर हट्ठा कट्ठा होना, टेस्टी सेलिब्रेशन में स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना, अस्थियों में स्तन का विकास होना और अंडाणुओं का बनना, ये जब शुरू हो जाएगा तो उस अवस्था को हम लोग यौवनारंभ अर्थात प्यूबर्टी कहते हैं। और जन्म काल की शुरुआत जो होती है, जन्म काल की प्रारंभ जो होती है वो यौवनारंभ से ही होती है। याद रखना है कि मनुष्यों में जन्म काल की प्रारंभ यानी मनुष्य में जन्म की क्रिया कब से होती है तो बताना है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से। और प्यूबर्टी क्या है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का प्रकट होना, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का प्रकट होना ही यौवनारंभ या प्यूबर्टी है। जैसे लड़कों में मूछ दाढ़ी, स्त्रियों में स्तन का विकास, लड़कों में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण और स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण, है ना। आइए समझते हैं भाग 3 में यौवनारंभ जिसको आप प्यूबर्टी बोलते हैं। यौवनारंभ किसे कहेंगे हम बताया भी, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौवनारंभ है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौवनारंभ है। मनुष्य में प्रजनन काल की शुरुआत यौवनारंभ से होती है। कोई पूछे कि मनुष्य में प्रजनन काल जो है, प्रजनन करने की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, तो कहेंगे यौवनारंभ से यानी प्यूबर्टी से। इस दौरान यानी यौवनारंभ के दौरान लड़के व लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। बच्चों, अभी हम बताए थे इसके पहले 2 वीडियो में कि जैसे कि बाल्यावस्था तक लड़का और लड़की में आप अंतर नहीं कर सकते हैं, थोड़ी भी अंतर दिखाई नहीं देती है नहीं। लेकिन जैसे ही यौवनारंभ में चले जाते हैं तो लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। लड़कों में दाढ़ी, लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, स्त्रियों में अस्त्र ग्रंथियों का विकास आदि द्वितीय लैंगिक लक्षण है। लड़कियों में यौवनारंभ जो होता है वो 10 से 19 वर्ष, लड़कियों में यौवनारंभ कब से कब तक, 10 से 19 वर्ष, व लड़कों में 13 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। याद रखना है लड़कों में यौवनारंभ जो है लड़कियों से 2 से 3 वर्ष पीछे आता है। लड़कियों में लड़कों से यौवनारंभ 2 से 3 वर्ष पहले और लड़कों में लड़कियों से 2 से 3 वर्ष पीछे।
आता है ना। यह अपना बताना है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन है? दाढ़ी मूंछना, शरीर हट्ठा कट्ठा होना, आवाज भारी हो जाना, है ना, लड़कियों में अस्तर का विकास हो जाना, ये सब यौवनारंभ का लक्षण है। और जन्म तभी होगी जब यौवनारंभ हो पाएगा। याद रखना इसको, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रजनन काल जो है किसको कहा गया है? यौवनारंभ। प्रजनन काल कब से शुरुआत होती है? यौवनारंभ से होती है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव याद रखना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखना है कि यौवनारंभ लड़का लड़की दोनों, जब तक यौवनारंभ नहीं होगा तब तक हम कह सकते हैं कि जन्म की शुरुआत नहीं हो पाएगी। जन्म की शुरुआत तभी होगा जब यौवनारंभ यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन हो जाए, प्रकटन हो जाएगा, है नहीं। चलिए तब हम लोग समझेंगे बारी बारी से ना, लड़का और लड़की दोनों में जानना है तो पहले हम लोग नर में जानेंगे, यानी नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहेंगे। नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र, नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं पेल्विस रीजन में स्थित होते हैं। याद रखना है कि नर में नर जनन तंत्र कहां स्थित होते हैं? श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विस रीजन में स्थित होता है। मेल लिखित अंग आते हैं, है ना, तंत्र लगा हुआ है, सिस्टम रहे, सिस्टम बहुत सारे अंग होते हैं। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं इसको समझेंगे हम लोग, एकदम बारीकी ढंग से समझेंगे, गौर से वीडियो को रोक रोक करके स्पष्ट रूप से समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल आपको लिखे, और ये फिगर देखिए तो क्या इस फिगर कितना मेहनत करके हम बनाए हैं, आप भी इसको रोक करके आप बना सकते, कोशिश करना है, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में फिगर बना करके बताने से ज्यादा समझ में आता है, ऐसे आपको लिखाने से सिर्फ उतना समझ नहीं आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस फिगर के माध्यम से आपको हम बता देंगे तो जो डिजिटल बोर्ड है उसे थोड़ा भी कम समझ नहीं आएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल हाई रहे और आपको प्रतिदिन वीडियो डालते रहे हम, क्योंकि बच्चों सोचिए कि आप लोग की वजह से और साथ ही साथ अपना भी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि मेरा भी चैनल ग्रोथ करे। दिन भर 6 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफलाइन क्लास देते हैं, सुबह 6 बजे से लगभग 5:30 बज जाता है एकदम बिल्कुल 12 घंटा 11 घंटा हम ऑफलाइन क्लास देते हैं। उसके बाद आने के बाद देखिए कि आप लोग के बीच में हम ऑनलाइन के लिए भी कुछ वीडियो डालते हैं पढ़ने, तो यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और चैनल को भी आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर तो बढ़ चुका है ठीक ठाक और बढ़ाइए। चलिए आइए बारी बारी जानते हैं नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। एक है ब्रीसन कोश, ब्रीसन कोश, ब्रीसन कोश, ब्रीसन कोश के इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। दूसरा एक जोड़ी ब्रीसन, एक जोड़ी ब्रीसन जिसको कह सकते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, ब्रीसन पेनिस में टेस्टिस कहा जाता है, पेयर यानी जोड़ा में, यानी कह सकते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ब्रीसन जालक रेट टेस्टिस, शुक्र वाहिकाएं वास डिफरेंशिया, दो अजीब्रीसन पेयर ऑफ एपिडाइडेमिस, दो शुक्र वाहिनी पेयर ऑफ भाषा डिफरेंशिया, दो शुक्राशय पेयर ऑफ जेंडर वेसिकल, दो शक्लन वाहिनी पेयर ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्रंथि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सीसन पेनिस। इतने अंग जो है नर जनन तंत्र के अंतर्गत पाया जाता है और प्रत्येक अंग को हम जानेंगे, ऐसे हम यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं बच्चों। समझ में अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि सर आपकी आवाज समझ में नहीं आता है या फिर जो परेशानी होगा वो तो परेशानी को बताने का काम कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को दूर करें, क्योंकि जितना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में अगर आपकी परेशानी हल नहीं हो पाएगा तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। यदि आपको पूरा पूरा क्लियर रूप से समझ में आएगा तभी मेरा मकसद पूर्ण होगा, क्योंकि हम एक मकसद से वीडियो बनाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो वीडियो में यहाँ वहां लग करके कुछ करते रहते हैं। चलिए आइए जानते हैं प्रत्येक का कुछ लिखते हैं। ब्रीसन कोश जिसको स्क्रोटम बोलते हैं बच्चों, ब्रीसन कोश ये है, यह है ब्रीसन कोश,
ठीक है, विषम कोष। इंग्लिश में स्क्रोटम लिख लेंगे हम, अरे एक जोड़ी ग्रीसन की दिखाई दे रहा है, एक इधर इसको काट दिए हैं, काट करके दिखाया, एक बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रीसन कोष की संख्या एक ही होता है, एक ही ग्रीसन कोष में दोनों टेस्टिस होते हैं, दोनों ग्रीसन होते हैं, ये है ग्रीसन। तब लिखते चलेंगे लाइन से, ग्रीसन जालक ये जो दिखाई दे रहा है यहां पे, ये ग्रीसन जालक है। ग्रीसन सबको हम समझा देंगे किसको ग्रीसन जालक, माइंड गार्ड है बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है। शुक्र वाहिका, ये जो है शुक्र वाहिका है, शुक्र वाहिका। दो अधिवेशन ये दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे से क्लियर कर देते, देखिए ये अधिवेशन है, ठीक है। दो शुक्र वाहिनी, ये आपका शुक्रवाहिनी नदी है, इसी को दर्शाते हैं, ये शुक्रवाहिनी नदी है, शुक्रवाहिनी। दो शुक्राशय है, ये जो है शुक्राशय है, ये शुक्राशय है ना। और दो सकल वाहिनी की देखिए यहां पे होता है, सकल वाहिनी इस जगह पर है, सकल वाहिनी। मूत्रमार्ग ये है, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह है कॉपर ग्रंथि, ये कॉपर ग्रंथि है, और ये है शीशन, शीशन है ना। नजन तंत्र को दर्शा दिए और बारी बारी से आपको समझेंगे, है ना। चलिए इसको समझते हैं बारी बारी से बच्चों, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि यदि गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि गौर से नहीं देखे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए जानते हैं प्रत्येक पॉइंट को, बारी बारी से जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों कि ये जो बाहर से संरचना दिखाए हैं, ये वाला संरचना ये विषम कोष है, क्या है तो बारी बार चलेगी, ये विषम कोष है, विषम कोष संख्या एक होती है, विषम कोष की संख्या एक होती है, वही एक विषम कोष में दो गुभीषण होता है, चमड़े की थैली होती है। अब इसके बाद विषम की संख्या दो है, ये विषम टेस्टिस एक दो, ये एक गोलाकार है, इसको काट करके दिखाए हैं, इसकी संख्या क्या है दो है। अब विषम के बाद देखेंगे हम लोग कि ये जो है ग्रीसन जालक है, देखिए ये पतली पतली नली दिखाई दे रहा होगा, ये पतली पतली नली एक जगह पर आकर के सघन हो गया है, कि पतली पतली नली कौन बोलते हैं जानते क्या, शुक्र शुक्र जल नलिका, शुक्र जल नलिका, ये शुक्र जल नलिका, शुक्र जल नलिका आकर के यहाँ पर गहरा हो गया है, इस गहरा वाला भाग को कहेंगे ग्रीसन जालक, और ग्रीसन जालक यहाँ से निकला है, देखिए आप ये नली है, ये नली को बोलेंगे शुक्र वाहिका, क्या बोलेंगे शुक्र वाहिका, और शुक्र वाहिका यहाँ से आकर के देखिए चौड़ा नली बना चुका है। देखिए कहने को तो सारी नली एक ही है, लेकिन हम कहें कि पतला कहीं पे सघन कहीं पे कुंडित हो गया है, इसका नाम चेंजिंग है, याद रखेंगे। ग्रीसन के अंतर्गत में पतले पतले नली, इसको बोलेंगे शुक्र जन नलिका, और शुक्र जन नलिका एक जगह पर आकर के मिल गया, इसको बोलेंगे ग्रीसन जालक, ग्रीसन जालक जालक से पतला पतला नली निकला, उसको बोलेंगे शुक्र वाहिका, और शुक्र वाहिका भी आगे जाकर चौड़ा हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग
अधिवृषण, जिसको हम एपिडाइडेमिस कहते हैं। एपिडाइडेमिस भी ये वृषण के पीछे से देखिए होकर के गया और यहां निकला है। देखिए यहां से पीछे किसे होकर गया है, दिखाई दे रहा है इसके पीछे की ओर, पीछे से होकर गया और यहां निकल पाया है। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए अग्नि दिए हैं शुक्रवाहिनी, इसकी संख्या क्या है दो, एक इधर से एक इधर से, इसको हम बोलेंगे शुक्रवाहिनी, ठीक है। और इस शुक्रवाहिनी देखिए इधर से भी इधर से आकर के ये वाला संरचना मिल गया, इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसको, ये आइए इसको बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय में जाकर के ये शुक्रवाहिनी जाके मिल गया है। तो शुक्राशय से एक नली निकला है और ये शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शुक्रवाहिनी मिलकर के यहाँ पे एक नली बनाता है, उसको बोलते सकलन वाहिनी। सकलन वाहिनी याद रखना है कि वृषण में पतली पतली नली होता है, उसे शुक्र जल नलिका कहते हैं। शुक्र जल नलिका आपस में मिलकर घना जाल बनाता है, उसे भीषण जालक कहते हैं। भीषण जालक से पतली पतली नली निकलता है, उसे शुक्रवाहिका बोलते हैं। शुक्रवाहिका एक चौड़ा नली बनाता है, बहुत लंबी नली, बहुत लंबी नली, लगभग 20 फीट 6 मीटर लंबी नली है, इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृषण। दोनों साइड में होता है, दुग होता है ऐसी संख्या। अधिवृषण टेस्टिस के पीछे से होकर एक नली निकला है, नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्राशय में, दोनों शुक्राशय में खुलता है। अब शुक्राशय नली और शुक्रवाहिनी नली दोनों मिलकर एक नली का निर्माण करता है, उसे कहते हैं सकलन नली या सकलन वाहिनी। और सकलन वाहिनी ये मूत्र मार्ग में आगे खुल जाते हैं, देखिए मूत्र मार्ग में खुल जाता है। ये लाल वाला संरचना दो दिखाई दे रहा है, इसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट। और मूत्र मार्ग की संख्या एक ही होता है। फिर देखिए हरा वाला संरचना दिखाई दे रहा होगा, इसको कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर ग्रंथि। और बच्चों इसके बाद ये लंबी संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं शीशन। क्या बोलते हैं, शीशन। अब गौर से समझिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई भाष नहीं है। ये नर जनन तंत्र जो है कहा जाए तो बहुत आसान है, इसकी जो अंग है इसको जानेंगे। शुरुआती हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले वृषण कोश, जिसकी संख्या एक होती है, उसमें वृषण की संख्या दो होती है। वृषण कोश चमड़ा का थैली होता है, एक ही होता है, लेकिन उसमें वृषण की संख्या दो होती है। कंप्लीट याद करते चलेंगे। अब इसके बाद जो है वृषण के अंतर्गत में जो शुक्रजन नलिका एक जाल कैसे ऐसा बना लेता है, उसे बोलते हैं वृषण जाल है। वृषण जालक आगे चलकर के एक नली बनाता है, 10 से 20 नली निकलता है, उसको शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका एक चौड़ा नली बनाता है, कुंडित नली, पूरा कुंडली नली बनाता है, उसको बोलते हैं अधिवृषण। और अधिवृषण पीछे की ओर टेस्टिस के निकाल को आगे तक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी जो है बच्चों एक ग्रंथि में खुलता है, उसे बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय शुक्राशय में से नली निकलता है और शुक्रवाहिनी से, दोनों नली निकलता है, आई जगह मिलता है, उसे अशक्रवाहिनी बोलते हैं। अब अशक्रवाहिनी मूत्र मार्ग में खुलता है, मूत्र मार्ग है, किसमें खुलता है, मूत्र मार्ग में। अब इसके नीचे दो रेड टाइप की ग्रंथि दिखाया हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि है, और इसके नीचे में दो है कॉपर ग्रंथि है, एक लंबी संरचना जैसे सीसन है। क्या बच्चों, सीसन। तो अब बारी बारी समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे वृषण कोश के बारे में। किसके बारे में, वृषण कोश, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या है, कहेंगे रोम युक्त चमड़े की थैली जैसी संरचना होती है, या शरीर से बाहर लटका होता है, दोनों जांघों के बीच में शरीर से बाहर लटका होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वृषण कोश जो है उस शरीर से बाहर क्यों लटका हुआ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, और ये वृषण में, ये जो वृषण है इसमें नर निर्माण शुक्राणु का निर्माण होता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होने की वजह से इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी से, शरीर से बाहर स्क्रोटम यानी वृषण कोश जो है लटका कर रखता है वृषण को, कि ताकि उसमें जो शुक्राणु बने वो शरीर के ताप से कम 2 से 3 डिग्री कम रहता था, 2 से 3 डिग्री। कोई पूछे कि टेस्टिस दोनों जांघों के बीच में शरीर से बाहर क्यों लटका होता है, तो बताना है कि इसलिए कि ताकि हमारा शरीर से वहां पे तापमान जो है कम से कम दो से तीन डिग्री तापमान कम रहे, कि ताकि अस्पताल का निर्माण ठीक ठाक से हो सके। फिर से समझेंगे, वृषण कोश रोम युक्त चमड़े की थैली की जैसी संरचना होती है, जो दोनों जांघों के बीच में लटका होता है, जो दोनों जांघों के बीच में लटका होता है, क्योंकि पूरे शरीर के तापमान से वहां पर 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है। इसमें दो वृषण होते हैं, दोनों वृषण पट्टिका के द्वारा अलग
विषम कोश एक ही है और विषम दो को है, लेकिन दोनों विषम एक विषम पट्टिका के द्वारा अलग अलग रहते हैं। किसके द्वारा? याद रखना है, विषम कोश की संख्या एक होती है, लेकिन एक ही विषम कोश में विषयों की संख्या दो होती है। दोनों विषम किससे अलग अलग रहते हैं? विषम पट्टिका से, विषम पट्टिका से अलग रहते हैं। चलिए, ये तो विषम कोश आपको समझ में आ गया होगा। फिर से विषम कोश की संख्या एक होती है। विषम कोश किसे कहेंगे? रोम युक्त त्वचा, जो चमड़े की थैली के समान संरचना होती है, जो दोनों जांघों के बीच में लटका होता है, उसे हम विषम कोश कहते हैं। वो भीषण कोश शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है कि ताकि उसका टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री तापमान कम रहे। अब है भीषण, क्या है भीषण? दो संयोजी उत्तक आवरण से घिरा होता है। भीषण या टेस्टिस दो संयोजी उत्तक आवरण से घिरा होता है, पाला ट्यूनिका बेजिनेलिस, ट्यूनिका बेजिनेलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्यूजिनिया। बाहरी वाला आवरण को बोलेंगे ट्यूनिका बेजिनेलिस और आंतरिक वाला आवरण को बोलेंगे ट्यूनिका एल्यूजिनियस। आइए इसमें जानते हैं, ये जो बाहर की जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये वाली संरचना, इसको विषम जरा समझ गए हैं, ये संरचना इसको बोलेंगे ट्यूनिका बेजिनेलिस, ट्यूनिका रेजिनेलिस, रेजिनेलिस, ठीक है। टेस्टिस के बाहर वाला आवरण क्या कहेंगे? ट्यूनिका रेजिनेलिस। और ट्यूनिका एल्यूजिनिया आंखों की जो रेड कलर के दिखाई दे रहा है, रेड वाला, ये रेड कलर की संरचना को बोलेंगे ट्यूनिका एल्यूजिनिया, एल्यूजिनिया। बच्चों, टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग की संख्या दो होती है। टेस्टिस के दो आवरण होते हैं, बाहरी आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका बेजिनेलिस और आंतरिक आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका एल्यूजिनिया। याद रखना है, बाहरी आवरण को ट्यूनिका बेजिनेलिस, आंतरिक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्यूजिनिया। बच्चों, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में द्रव भरा हुआ रहता है। बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में द्रव भरा होता है, ताकि थोड़ा बहुत चोट भी लगे, बाहरी आघात हो जाए तो टेस्टिस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए देह गुहा द्रव दोनों, कोई पूछेगा कि बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में जो द्रव भरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? देह गुहा द्रव या फिर सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें सिलोमिक फ्लूइड हिंदी में देह गुहा द्रव कहते हैं। इन बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच जो द्रव भरा होता है उसको देह गुहा द्रव या सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इसका काम है बाहरी आघातों से बचाना, बाहरी आघातों से बचाना। याद करना है कि टेस्टिस दो आवरण से मिलकर बना है, बाहरी आवरण को ट्यूनिका रेजिनेलिस कहते हैं और आंतरिक आवरण को ट्यूनिका एल्यूजिनिया कहते हैं। बाहरी आवरण इस समय पर दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे, और आंतरिक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं आंतरिक। बच्चों, ये जो रेड कलर जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक वाला जो ट्यूनिका एल्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्यूजिनिया अंदर उंगली की जैसे संरचना बना ली, अंदर की ओर धंस गया है, तो अंदर की ओर जो धंस गया है ये वाला संरचना को हम बोलेंगे विषम पट्टिका। क्या बोलेंगे? विषम पट्टिका। ट्यूनिका एल्यूजिनिया अंदर की ओर खांच जैसा बना ली, उंगली जैसी संरचना बना ली है, इसको हम बोलेंगे उंगली जैसी संरचना को, प्रत्येक उंगली जैसी संरचना को भीषण पाटिका बोलते हैं। और भीषण पाटिका के बीच में कच के जैसा बन गया है, देख रहे हैं, एक कच, दो कच, तीन कच, चार कच, पांच कच, ऐसे ऐसे कच एक भीषण में 250 होता है। याद रखिए, फिर से भीषण दो आवरण से, ट्यूनिका रेजिनेलिस और लाल वाला जो है ट्यूनिका एल्यूजिनिया, दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है, उसे नाम है देह गुहा द्रव या सिलोमिक द्रव कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। याद रखना है, ट्यूनिका एल्यूजिनिया जो आंतरिक आवरण है वो अंदर की ओर धंसा होता उंगली के जैसे संरचना बना लेता है, उसे बोलेंगे भीषण पट्टिका। भीषण पट्टिका की वजह से अब ये खांच जैसा एक पिंडक लोब्यूल यानी लोब बन गया है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे 250 कच होते हैं। कितने कच होते हैं? 250। पूछेगा कोई कि एक विषम में लगभग कितने पिंडक या कच होते थे? कहेंगे 250। कितने? 250। ये पिंडक निर्माण करने का काम कौन कर रहा है? ट्यूनिका एल्यूजिनिया। याद रखना कि एक टेस्टिस में 250 कच होते हैं, कच को हम लोग विषम पिंडक कहेंगे या विषम पालिका कहेंगे। पूछा कि एक विषम में कि
कितने विषम पालिका होते हैं, तो 250। कितने? 250 होते हैं विषम पालिका। कहे आपने टेस्टी, कूलर, लोब्यूल कहे। बच्चों ये प्रत्येक विषम पालिका में, प्रत्येक विषम पालिका में ये ब्लू कलर से लाइन में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका, सेमी एरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, सेमी एरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक पिंडक में ये ऐसे ऐसे जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है वे होते हैं 1 से 4 नली। कितने नली? 1 से 4 नली। इस नली को बोलते हैं शुक्रजन नलिका। याद रखना है एक टेस्टिस में 250 विषम पिंडक होते हैं या फिर 250 विषम पालिका होते हैं, लेकिन एक विषम पालिका में 1 से 4 शुक्रजन नलिका होती है। यही शुक्रजन नलिका में, बच्चों ये शुक्रजन नलिका है, यही शुक्रजन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर से टेस्टिस कितने आवरण से? 2 आवरण से। बाहरी आवरण को ट्यूबल बेजिनेलिस, आंतरिक आवरण को ट्यूबल एक्जिनिया। आंतरिक आवरण में उंगली की जैसी संरचना बना लेता है, उस उंगली जैसी संरचना बोलते हैं विषम पट्टिका। विषम पट्टिका को बनने से कच्छ बन जाता है। ऐसे ऐसे कितने कच्छ होते हैं? 250 कच्छ होते हैं। एक कच्छ में कितने शुक्रजन नलिका होते हैं? 1 से 4। एक कच्छ में, प्रत्येक कच्छ में 1 से 4 शुक्रजन नलिका होते हैं। आइए एक वो हम कच्छ को निकाल लेते हैं, एक कच्छ को निकालते, देखिए एक कच्छ को निकाले हैं, एक कच्छ खुला 250 कच्छ था उसमें से एक कच्छ को निकाले हैं, इसमें जो पतला पतला लाइनिंग है इसको बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका। बच्चों देखेंगे शुक्रजन नलिका के अलावा भी सब जगह बच्चा हुआ है, शुक्रजन नलिका के अलावा भी जगह छोटा था उसको दिखाई नहीं देता, इसी को हम बड़ा जगह के दिखा रहे हैं। शुक्रजन नलिका के अलावा जो जगह बच जाता है उसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। याद रखना है विषम पालिका में या विषम पिंडक में शुक्रजन नलिका के अलावा जो जगह बचता है, खाली स्थान बचता है, उसे अंतराली अवकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। याद रखना है कि जो खाली स्थान है इसमें 3 तरह की कोशिका होता है, एक है रक्त केशिका ब्लड कैपिलरी, दूसरा जो है स्तंभिका तंतु नर्व फाइबर, तीसरा अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका, है ना, जिसको हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल कहते हैं। याद रखना है बच्चों कि ये जो विषम है 2 आवरण से घिर के बना है, एक ट्यूनिका बेजिनेलिस जो बाहरी आवरण है, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो आंतरिक आवरण है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में उंगली जैसे संरचना हो जाती है, अंदर की ओर धंस गया है, उस संरचना बोलते हैं विषम पट्टिका। प्रत्येक विषम पट्टिका से 250 कक्ष बनते हैं और प्रत्येक कक्ष में 1 से 4 शुक्रजन नलिका होती है। प्रत्येक कक्ष में शुक्रजन नलिका के अलावा जो खाली स्थान बचता है उसे अंतराली अवकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 कोशिका होती है, एक है रक्त कोशिका ब्लड कैपिलरी, तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होती है। आइए बच्चों ये प्रत्येक कोशिका की, सर ये बताइए हमें कि रक्त कोशिका का काम क्या होता है, रक्त कोशिका हमारे बॉडी में रक्त की आवश्यकता कहां नहीं होता बताइए, पूरे सभी जगह रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक कोशिका तक कौन लेकर जाएगा, तो टेस्टिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं है, तो टेस्टिस में रक्त कोशिका का काम है ऑक्सीजन को लेकर के जाना और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर के बाहर जाना। टेस्टिस में ऑक्सीजन को ले जाने का काम रक्त कोशिका ही करता है, ब्लड कैपिलरी ही करता है। चलिए अब तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर, तंत्रिका का काम जानते क्या जो होता है, सभी अंगों से सूचना प्रेरण करना। हमें यहाँ पे कोई चुट्टी काटा या फिर काटा भोंका या सुई भोंका, इसका एहसास तंत्रिका कोशिका ही देता है, न्यूरॉन ही देता है। तंत्रिका कोशिका को हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, ये न्यूरॉन मस्तिष्क को सूचना देता है। तो क्या टेस्टिस पे चोट लगता है दर्द का एहसास नहीं होता है? गेंदा जब खेलते हैं, गेंद खेलते देखते हैं क्रिकेटर लोग उसमें पैड लगा कर रखते हैं ताकि वहां लगे भी तो ज्यादा दर्द का एहसास नहीं हो। तो बच्चों टेस्टिस में जो चोट होता है, संवेदना होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का, टेस्टिस में उत्पन्न संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंतु। याद रखना है कि जो विषम पालिका था उसमें 250 विषम पालिका था, एक विषम पालिका में कितने शुक्रजन नलिका होते हैं? 1 से 4 होते हैं। शुक्रजन नलिका के अलावा जो स्पेस होते हैं उसको अंतराली अवकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका और अंतराली कोशिका होते हैं। रक्त कोशिका काम होता है कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है। तंत्रिका कोशिका को होता है, तंत्रिका तंतु का काम होता है
संवेदना को मस्तिष्क तक लेकर जाता है, इंफेक्शन को मस्तिष्क तक लेकर जाता है। अब अंतराली कोशिका या लिम्बिक सेल, अंतराली कोशिका लिम्बिक सेल जो है हार्मोन को रिलीज करता है। किसको? हार्मोन को रिलीज करता है। शुक्रजन नलिका के अलावा जो स्पेस है उसे हम अंतराली अवकाश स्पेस बोलते हैं, फिर अंतराली अवकाश स्थान बोलते हैं। इसमें हम तीन तरह की कोशिका बताए, एक बताए थे रक्त नलिका या रक्त ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, और दूसरा बताए थे उसमें तंत्रिका कोशिका, तीसरा बताए थे अंतराली कोशिका या लिम्बिक सेल। अंतराली कोशिका का काम है एक हार्मोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर अनएंड्रोजन। हम इसको चर्चा दूसरे के पार्ट में किए थे कि देखिए नर हार्मोन के नाम से हम टेस्टोस्टेरोन को जानते हैं जो एक प्रकार का एंड्रोजन है ना, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है, एंड्रोजन हार्मोन जो नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये बताइएगा अंतराली कोशिका या लिम्बिक कोशिका जो है वो किसका ऐसा मुकाबला क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन या फिर अनएंड्रोजन हार्मोन को श्राप करता है। ये श्राप तब करता है बच्चों जब मस्तिष्क के पास पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसको आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वहां से एलएच हार्मोन या फिर आईसीएसएच हार्मोन, एलएच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या है ल्यूटिनाइजिंग, और आईसीएसएच का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है पीस ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि श्रावित होते हैं, और श्रावित होने के बाद अंतराली कोशिका को प्रेरित करते हैं, तब जाकर के टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, तब जाकर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होता है। और जब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होता है तो इसमें स्तन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे ये जो पिंडक है, जो बताए हैं कि एक विषम के अंतर्गत में लगभग 250 पिंडक होते हैं, एक प्रत्येक पिंडक में शुक्रजन नलिका जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, शुक्रजन का एक पिंडक में या एक शुक्रजन पालिका में एक से चार शुक्रजन नलिका होता है। एक शुक्रजन नलिका के दो भाग हैं, एक शुक्रजन कोशिका और दूसरा साइटोलिया अवलंबन या फिर नर्स कोशिका। शुक्रजन नलिका के कितने कोशिका? एक शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका का शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्रजन कोशिका का क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। तो कुछ टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? तो शुक्रजन कोशिका करता है, जो शुक्रजन नलिका के भाग है। अब ये सर्टोलिया अवलंबन या नर्स कोशिका काम क्या है? ये शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है उसको सहारा प्रदान करना और पोषण प्रदान करना, सहारा प्रदान करना और पोषण प्रदान करना। चलिए बच्चों इसको हम बहुत मेहनत करके बनाए हैं, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और लाख लाख शुक्रिया आप लोग से, जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे भी चैनल को ग्रोथ करवाइए। ये सारी जिम्मेवारी आप लोग के ऊपर है, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए। धन्यवाद, बाय।